खातेगांव में मूकबधिर नाबालिग के साथ दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। 50 वर्षीय सौतेले पिता ने ही नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म किया था। पीड़िता से पूछताछ के लिए इंदौर से मूकबधिर पुलिस सहायता केंद्र की मोनिका पुरोहित को बुलाया गया था। जब उन्होंने आरोपी की फोटो दिखाकर घटना के संबंध में पीड़िता से पूछताछ की तो मामले का खुलासा हुआ, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। मूकबधिर घर से बाहर कहीं निकलती नहीं थी, फिर इसके साथ पता नहीं किस अज्ञात आरोपी के द्वारा बलात्कार किया गया है। डॉक्टर मोनिका पुरोहित इंदौर में उसको बुलाया गया, उसने इशारे में अपनी भाषा में इशारे कर करके उससे पूछताछ की और इसके बाद उसके तो उसके घर की जो एल्बम फोटो थी वो उस बच्ची को दिखाई, तो बच्ची को जैसी दिखाई तो बच्ची ने सौतेले पिता के फोटो पे हाथ रख दिया कि इसने मेरे साथ बुरा काम बलात्कार किया है। उस पर से थाना प्रभारी और उसकी टीम द्वारा आरोपी को रामदीन सौतेला पिता है जो बच्ची का, उसको गिरफ्तार किया गया है।